रिम्स में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजनकर्ता सम्मान समारोह 2020-21 का उद्घाटन हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने समारोह का दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रधान सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह, रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद भी शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, जो भी ब्लड डोनेट करने आए हैं उनका सम्मान करना चाहिए। रक्तदाताओं को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाएगा। साथ ही रक्तदाताओं को मंत्री ने बधाई दी। रक्तदाताओं को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं रक्तदाताओं ने कहा, इस तरह का सम्मान पाकर अच्छा लग रहा है। हमारे एसीएस साहब ने आपको बहुत सा प्लान भी बताया, कैसे जोड़ना है, कैसे हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेना है और कहां कहां पर विसंगतियां हो रही हैं, उन विसंगतियों को कैसे समाप्त करना है। और श्रीवास्तव साहब ने बड़ा रक्त के सभी उसके कंपोनेंट पर आपको बताया कि डब्ल्यूसी, आरबीसी, रेड प्लेटलेट, प्लाज्मा और किस तरीके से हम यदि रक्तदाता बनते हैं तो हमको भी इसके शरीर में अच्छे और बढ़िया प्रभाव पड़ते हैं, इस पे भी विश्लेषण किया है। और अब तो जांच से ये भी पता चला है कि हृदय गति वगैरह जो होती है, हार्ट अटैक वगैरह में भी रक्तदाताओं को जो है दान करने वाले लोगों को हृदय घात के रोग से बचते हैं, इवन कैंसर भी कम होता है। और 21 दिन के अंदर अंदर सारा जो हमने रक्त दिया है वो हमारा बोन मैरो से व्हाइट ब्लड जो है वो फिर से 21 दिन में फिर से रिचार्ज हो जाता है शरीर में। और मैंने तो कई बार रक्तदान किया है। एक बार तो हमारे हम और सीएम साहब रक्तदान करने पहुंचे थे तो भुवनेश जी थोड़े कड़े आईएएस हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब ने थोड़ा इधर से खून कोशिश किया, नहीं सके तो उनको भड़काया कि भाई क्या आपको सस्पेंड कर देंगे। डॉक्टर साहब को बोला सस्पेंड कर देंगे, डॉक्टर साहब तीन बार इंजेक्शन को इधर से उधर करे, हम इनकी तरफ देखें, अरे भैया प्रयोगशाला का चूहा हम है, इसलिए कम से कम। और डॉक्टर इतने भयभीत हो गए खून ही नहीं निकालने पाए। तो सीएम साहब ने हमको जब उनको बाद में पता चला, वो चले गए थे, उनको बाद में पता चला कि मंत्री जी का खून ही नहीं निकला था, हमको फोन किए शाम को, बोले अरे बॉस आपका खून नहीं निकला। हम बोला कि नहीं बनिया है, कोई चीज देते हैं तो थोड़ा कुछ चीज, क्योंकि मैंने समय समय पर मैंने देने का काम किया है, लेकिन अब जहां से डॉक्टर साहब निकालना चाह रहे हैं वो बहन नहीं थी। तो कभी कभी हम सारे लोग मिलकर, पर बहुत एक अच्छी बात डायरेक्टर साहब ने कही है, मैं बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था,